तो साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेलवे डिपार्टमेंट में निकाली जाने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, ये आपके 20/6/2023 को नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो हम देखेंगे इसमें कब तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे, वो ऑनलाइन फॉर्म डेट है वो कब तक रखी गई है, इसके बारे में हम पूरा इस नोटिफिकेशन में जानेंगे। उससे पहले जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, वह बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि रेलवे की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करना। तो आइए हम देख लेते हैं जो आपके रेलवे में डिपार्टमेंटली वैकेंसी होती है उसके बारे में हम यहाँ से जान लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने है, वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड की तरफ से, या आपके न्यू दिल्ली की तरफ से आया। डेट आपके 20/6/2023, या आपके पूरा दिया गया है द जनरल मैनेजर आल जोनल रेलवे ओनली, मतलब ये आल जोन के लिए है। तो सभी जो भी जोनल के अभ्यर्थी है वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो आइए हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट आपके जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब GDC फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कोटा वैकेंसी रिगार्डेड, मतलब ये आपके जो भी डिपार्टमेंट से संबंधित 25% कोटा युक्त वैकेंसी आती है उसके बारे में दिया गया है। और ये जब कोटा पूर्णतः फिल कर लिया जाएगा उसके बाद आपके डायरेक्ट रिक्वायरमेंट भी लिए जाएंगे, जो वो बात भी इस नोटिफिकेशन में कही गई है। तो देखिए कब तक डायरेक्ट रिक्वायरमेंट लिए जाएंगे और कब तक आपके GDC के रिक्वायरमेंट लिए जाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन। पहले आपके क्या दिया गया है, इट हैज बीन डिसाइड टू कंडक्ट GDC सर्टिकल सेफ्टी है आपके कैटेगरी इन द सेंट्रलाइजन मैनर ऑफ ऑल द जोनल रेलवे इन इंट्रोडक्शन विथ रेस्पेक्ट द विच आर ए अंडर, ये पूरे आपके निर्देश दिए गए हैं जोनल के अनुसार। तो ये देखिए आपके पहला कह रहा है 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, ये आपके पूरा इसमें दिया गया है। तो मैं इसका बता देता हूँ क्या मतलब रहेगा, इसका मतलब ये है कि आपके निर्देशक जो सुरक्षा श्रेणी है उसके अंदर जो आपके 1/7/2023 में से 1/7/2025 तक की अवधि में जो रिक्तियां हैं सहित जो सीधी भर्ती रिक्तियों का 25% GDC के माध्यम से भर्ती के लिए निर्धारित किया जाता है, तो उस कोटे के बारे में इसमें कहा गया है। और इसमें ये भी इस प्लस में कहा गया है कि इन श्रेणियों की परीक्षा पैटर्न के अनुसार एसी द्वारा GDC परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है वो रखा जाएगा और जिसका विवरण उचित समय पर साझा किया जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका, एप्लीकेशन में भी इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल सर्विसिंग रेगुलर एम्प्लॉय है जो इंक्लूडिंग है फॉर द रिलेटेड PUS एज पर एक्सटेंड जो नॉर्म है फॉर द सर्टिकल सेफ्टी कैटेगरी ऑफ जोनल रेलवे अदर देन वर्कशॉप विज असिस्टेंट लोको पायलट आपके, उसकी वैकेंसी है टेक्निकल के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए और ट्रेन मैनेजर, जिसका गुड्स गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ट्रेन मैनेजर। यह आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आल RRC विल बी पब्लिक ए सिग्नल नोटिफिकेशन ऑन देयर वेबसाइट बाई 15/7/2023 गिविन 1 month टाइम एम्प्लॉय, और ये मतलब 1 महीने का टाइम दिया इनको कि 1 महीने के अंतर जितनी पोस्ट खाली है उसका ब्यूरो है वो हमको जमा करवाया जाए। ये देखिए जो आपके डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन वेबसाइट है वो आपके 15/7/2023 मतलब 7वें महीने में 2023 तक ये नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पे डाल दिया जाए। और जो ऑनलाइन है रजिस्ट्रेशन फिलिंग एप्लीकेशन है वो आपके 15/7/2023 से स्टार्ट हो जाएगी और आपके क्लोजिंग डेट है वो टाइम फॉर ऑनलाइन जो आपके 14/8/2023 तक पूर्ण हो जाएगी। अगला आपका 4 नंबर पॉइंट है, एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर दिस कैटेगरीज विल बी सिमिलर टू डेट RRB एंड विल आपके इंटरल जो आपके एग्जामिनेशन फॉर है टेक्निकल है एंड LP है, ये आपके फर्स्ट ग्रुप है जूनियर इंजीनियर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, ये आपके सेकंड ग्रुप है एंड ट्रेन मैनेजर आपके वो थर्ड ग्रुप है। आइए हम अगला और पूरा देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। आपका 4 नंबर पॉइंट, आपका 5 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, कॉमन एक्सामिनेशन विल बी इंटरल स्किल, ये आपके ये टेम्पलेट पूरा दिया गया। इसका पॉइंट का मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट का मतलब है सामान्य परीक्षाओं में कर्मचारियों से शैक्षिक धारा के बारे में विकल्प मांगा जाएगा जिसमें वो उपस्थित होना चाहते हैं और विभिन्न विभागों के तकनीशियन और कनिष्ठ अभियंताओं की विभिन्न श्रेणी के लिए वीरियता भी है इसमें, जिसे कर्मचारी अपनी शिक्षा के अनुसार लागू कर सकते हैं। योग्यता रहेगी वो आपकी रहेगी RRB पैटर्न पर अधिसूचित होने वाला एक टेम्पलेट शीघ्र ही आपके साथ साझित किया जाएगा। अगला आपका 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है, आल रेलवे आर डायरेक्ट टू इंश्योर दैट टाइम लाइन, ये आपका नोटिफिकेशन है वो टाइम लाइन के बारे में क्या बोल रहा है, ये बताया जा रहा है कि यदि जो भी आपने फॉर्म फिल करोगे तो इनकी जो फॉर्म होगा उसको वो योग्य है या नहीं है इस पोस्ट के लिए उसके बारे में आपको ये निर्देश दिए गए हैं कि 1/10/2023 तक कंप्लीट किया जाए। अगला आपका 7 नंबर पॉइंट है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है।
7 नंबर पॉइंट आपके कहता है डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ सबमिनेशन ऑफ डाटा एग्जामिनेशन कंसल्ट एजेंसी एजेंसी के बारे में बताया गया, तो मैं बता देता हूँ परीक्षा का विवरण, परीक्षा संचालन एजेंसी को डाटा प्रस्तुत करने की समय सारणी, आपके ईसीए प्रवेश पत्र आदि जारी करने की तारीख के बारे में यथासमय आपको सूचित कर दिया जाएगा। आपके लिए एक कैलेंडर है वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगला इसमें क्या बोला जा रहा है, जो आपका 7 नंबर पॉइंट है ये हमारे हो गया। अगला 8 नंबर पॉइंट क्या, इसमें भी इंश्योर डेट द केस, ये आपके वैकेंसी के बारे में, ये जो आपका पैनल है उसके बारे में है। तो आइए हम देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है 8 नंबर पॉइंट का, कि सभी गतिविधियों को एक जो आपकी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जीडीसी के माध्यम से पर्याप्त जो उपयुक्त उम्मीदवार है वो उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष रिक्तियों को निकट भविष्य में बढ़ने वाले डीआर कोटे की रिक्तियों में जोड़ा जाएगा। मतलब जो डायरेक्ट कोटा होता है उसमें इसको जोड़ दिया जाएगा, फिर आपके ओपन रेलवे की वैकेंसी निकाली जाएगी। तो आपके 2023 तक ये जो जीडीसी का कोटा वो पूर्ण किया जाएगा और 2024 के अंदर आपके नई वैकेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो ये थी आपके जीडीसी की वैकेंसी, आप पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जो आपके पीडीआईआर रेलवे बोर्ड के द्वारा सिग्नेचर किए गए हैं। तो आपके आज नोटिफिकेशन है वो साइट पे जारी कर दिया गया है।